केशी माता जी, सभी भाई बहनों को विराट की, टू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ विराट, केशी माता जी, जय श्री जय माता जी दीदी, जय सब भाई बहनों को जय श्री माता जी। श्री जय माता श्री जी, जय श्री माता जी। लेट अस ऑल लुक इट इनटू द मदर्स लोटस फीट। हम सब नतमस्तक होके माँ को प्रणाम करेंगे और माँ की श्री चरण कमल के ओर केंद्रित करेंगे अपने चित्त को। और दोनों हाथों में उस चैतन्य को पूरी तरह महसूस करेंगे। सारे शरीर पर, दोनों हाथों पर, हस्ता पर, जो अंदर की ओर खींच रही है, हम सब उसका अनुभव करेंगे। माय वॉइस इज क्लियर टू एवरीबॉडी? यस दीदी, क्लियर है। ओके ओके, नाउ लेट अस ऑल बी इन दिस जॉय। नाउ लेट अस क्लोज अवर आईज। चित्त को ससरार पर रखते हुए लेट अस राइज अवर कुंडली एंड टेक बंधन। धीरे से अभी इन चैतन्य लहरियों से जो बह रही है, उन्हीं हाथों से हम धीरे से कुंडलिनी को जागृत करके बंधन लेंगे। बंधन लेने के बाद हमारे दोनों हाथों में स्थिति को हम महसूस करेंगे ससरार पर। जो ठंडी ठंडी हवा जो माँ से हमने पाया है, सारे शरीर में बह रही है। इसी स्थिति में हम श्री महामंत्र विथ श्री गणेश मंत्र लेंगे।
Let us be in the meditative state for some seconds. माँ की तीनों शक्तियों को हम लोग महसूस करते हुए हम अपने राइट हैंड को धरती माँ पर रखेंगे, लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स मदर्स लोटस फीट। लेट अस प्रे। श्री माता जी, प्लीज टेक आउट ऑल द इनबैलेंसेस, ऑल द इम्प्यूरिटीज, ऑल द नेगेटिविटीज into the sat element. माँ कृपा करके हमारे ऊपर सारे ईड़ा नाड़ी में जो भी बाधा है, दोष है माँ, जो भी नेगेटिविटी है माँ, अशुद्ध इच्छाएं हैं, अशुद्ध विद्या, उन सभी को धरती माँ पर विलीन करें माँ। हम सब आपकी कृपा में शुद्ध आत्मा है। बाय योर ग्रेस आई एम द प्योर स्पिरिट। श्री माता जी, प्लीज एनलाइट अवर इडा नाडी विथ यूर पावर्स ऑफ श्री महाकाली एंड श्री भैरवनाथ। पूरे ईड़ा नाड़ी में सभी चक्रों में महसूस करेंगे माँ के उस स्वरूप को। अभी राइट हैंड गोदी में रखेंगे, लेफ्ट हैंड आकाश की ओर। श्री माता जी, कृपा करके हमारे पिंगल नाड़ी में जो भी दोष बाधा है माँ, जो भी असंतुलन है, उन सभी को आकाश तत्व में विलीन करें। श्री माता जी, प्लीज टेक आउट ऑल द इनबैलेंसेस, ऑल द एक्सेस हीट, ऑल अवर इम्प्योर अटेंशन। Please remove from the ether element, ma.
प्लीज एनलाइटन आवर राइट चैनल विथ योर पावर्स ऑफ श्री महासरस्वती एंड हनुमाना. लेट आवर अटेंशन बी ऑलवेज एवरी मोमेंट एट योर लोटस फीट श्री माता जी, नॉट ऑन एनी थिंग एल्स श्री माता जी. यू आर द डूयर, यू आर द एंजॉयर, वी डू नथिंग श्री माता जी. आप ही करता है, आप ही भोगता है माँ, आप ही करविता है. हम कुछ भी नहीं है माँ, हमारे चित्त को सदा आपके श्री चरण कमल पर स्थापित करें माँ. नाउ लेट अस ब्रिंग बैक अवर लेफ्ट हैंड ऑन माँ अवर लैप, हमारे चित्त को सुषुम्ना पर रखेंगे. दोनों हाथों को गोदी में एंड हमारे चित्त को ससुराल पर ले जाएंगे. धीरे से मणिपुर चक्र से हम लेट अस राइज अवर अटेंशन टू ससुरारा, जो श्री महालक्ष्मी की स्थान है. वो श्री माता जी प्लीज एक्सपैंड अवर सुषुम्ना माँ. प्लीज एस्टैब्लिश अवर इनकम्प्लीट सुषुम्ना माँ. लेट द लाइट ऑफ द स्पिरिट बी फ्लो इन टू द ऑल द नर्व्स, ऑल अवर चैनल, ऑल अवर चक्रास माँ, सो दैट द होल बॉडी इज गेट एनलाइटेंड. वी बिकम वन विथ यू श्री माता जी. इसी स्थिति में श्री महालक्ष्मी की मंत्र लेंगे, गणेश मंत्र. ओम त्वमेव साक्षात श्री महालक्ष्मी, साक्षात श्री गणेश, साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः. अभी हमारे राइट हैंड को लेफ्ट हार्ट पर रखेंगे, लेफ्ट हैंड को टुवर्ड्स मदर्स लोटस फीट. जस्ट फील दैट कंप्लीट डिवाइन वाइब्रेशन. द लाइट ऑफ द स्पिरिट इज कंप्लीटली एनलाइटेंड हियर. हम सब उसको अनुभव करेंगे यहाँ. श्री शिव पार्वती के मंत्र लेके, ओम त्वमेव साक्षात श्री शिव पार्वती, साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः. श्री माता जी प्लीज डिसॉल्व ऑल योर लव इनटू द ओशन ऑफ लव. माँ कृपा करके आपके दिव्य प्रेम शक्ति को उस महासागर की समुन्दर में एकाकारिता कर दो माँ. हमारे अंदर अबोधिता की शक्ति को जागृत करें माँ.
इस आत्मशक्ति को उस परमात्मा की शक्ति से जुड़ दीजिए। जो प्रेम आपने हमारे हृदय में पूरी तरह आपके आपके ममता वात्सल्य से भरा है, उन सारे प्रेम को आप सारे जगत में फैला दीजिए। सभी आपके बच्चे हैं माँ, सभी आपके बच्चे हैं श्री माता जी, सारे जगत आपके बच्चे हैं माँ। अभी राइट हैंड गोदी में रखेंगे, लेफ्ट हैंड राइट हार्ट पर रखेंगे, राइट हार्ट पर हमारा लेफ्ट हैंड को रखेंगे। राइट हैंड टुवर्ड्स मदर्स लोटस फीट, श्री माता जी कृपा करके आपके श्री चरण कमल को यहाँ स्थापित कर दीजिए माँ। हमारे हृदय चक्र को प्रकाशित करें माँ। आपकी श्री सीता राम की शक्ति से जागृत कर दीजिए माँ। महसूस करेंगे सभी चैतन्य को जो राइट हार्ट पर। राइट हैंड की उंगलियों में महसूस करेंगे। अभी राइट हैंड को सेंट्रल हार्ट पर लाएंगे। श्री माता जी कृपा करके आपके श्री जगदम्बा दुर्गा माता की शक्ति को जागृत करें माँ। हमें निर्भय बना दीजिए माँ। आपके सभी शक्तियों से हमें आशीर्वादित कीजिए माँ। So that we are all completely protected. We are completely secured, Sri Mata Ji. अभी दोनों हाथों को गोदी में रखेंगे। लेट अस कीप अटेंशन ऑन अवर सेंट्रल मूलाधारा। श्री माता जी प्लीज एनलाइट अवर मूलाधार चक्र विद द पावर्स ऑफ श्री गणेशा। अभी हम सस्रार से देखते हैं मूलाधार को और महसूस करेंगे चारों पंखुड़ियों का। प्लीज ब्लेस अस द कंप्लीट प्यूरिटी चैस्टिटी विजडम इनोसेंस डेडिकेशन सरेंडरनेस हार्मोनी ह्यूमैनिटी। विक्ट्री ओवर ऑल इविल फोर्सेस स्पिरिट मास्टरी ऑन ऑल द इविल स्पिरिट ऑल द टेम्पटेशन एंटिसमेंट माँ। धीरे से चित्त को अभी स्वादिष्ठान पर लाते हैं सेंट्रल स्वादिष्ठान।
श्री माता जी प्लीज एनलाइट अवर स्वादिष्टान फिक्र विथ योर पावर्स ऑफ द प्योर डिजायर द निर्मल विद्या द प्योर नॉलेज द प्योर अटेंशन क्रिएटिविटी विच टेक अस टुवर्ड्स द एसेंस श्री माता जी प्लीज ओपन द सिक्स पेटल्स ऑफ अवर स्वादिष्टाना धीरे से चित्त को नाभि चक्र पर लाते। नाउ वी कीप अटेंशन ऑन लेफ्ट साइड आवर नाभि चक्र। श्री माता जी बाय योर ग्रेस आई एम कंप्लीटली सेटिस्फाइड माँ आई एम कंप्लीट बैलेंस्ड आई एम विद द पीस आई एम कंप्लीटली जेनरस श्री माता जी। With the innocence of Sri Ganesha, please awake Sri Grihalakshmi's principle here. Sri Grihalakshmi तत्व को जागृत करें माँ श्री गणेश जी की अबोधिता की शक्ति से। सेंट्रल नाभि पर चित्त को रखते हैं। श्री माता जी कृपा करके हमारे सेंट्रल चैनल में श्री महालक्ष्मी को जागृत करें माँ। महसूस करेंगे राइट नाभि में रखेंगे। श्री माता जी कृपा करके श्री राज्य लक्ष्मी शक्ति को जागृत करें माँ। श्री माता जी वर्ली वार्ता रॉयल एंड डिग्निटी ऑफ मी विद इन मी। श्री माता जी यू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द फैमिली यू टेक केयर ऑफ माई वेल बींग। श्री माता जी प्लीज बी अवेकन द डिग्निटी ऑफ द राजलक्ष्मी हियर विद इन अस हमारे अंदर जागृत करें माँ श्री राजलक्ष्मी तत्व को उनकी शक्ति को। हाथों में जो बदलाव आ रहे हैं सहस्त्रार पर उस चक्रों पर महसूस करेंगे और विलीन भी हो जाएंगे। अब लेफ्ट वॉइड पर हमारे चित्त को लाते हैं। श्री माता जी आपके कृपा में हम सब स्वयं गुरु हैं माँ। यह जो भी बाधा है माँ उन सभी को आपके श्री चरण कमल पर हम लोग वी आर सरेंडरिंग श्री माता जी।
यहाँ श्री एकादश रुद्र देवता का नाम मंत्र लेंगे लेफ्ट वर्ड पर। ओम त्वमेव साक्षात श्री एकादश रुद्र देवता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। नाउ लेट अस टेक द फाइव गुरुस ऑफ अवर लेफ्ट वॉल। ओम त्वमेव साक्षात श्री राजा जनका नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री इब्राहिम नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री जरातुष्ट नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री मोजस नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री कन्फ्यूसस नमो नमः। अभी राइट वॉइड पर चित्र रखेंगे। यहाँ भी श्री एकादश रुद्रदेव का मंत्र लेंगे, उसके बाद द फाइव मास्टर्स ऑफ अवर राइट वॉइड। ओम त्वमेव साक्षात श्री एकादश रुद्रदेवत साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अभी फाइव प्राइमोर्डियल मास्टर्स का नेम लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात श्री लावसी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री सॉक्रेटेरियस नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री प्रॉफिट मोहम्मद नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री गुरु नानक साहेब नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री शिरडी साईनाथ नमो नमः। दस उंगलियों में भी हम उस बदलाव को पूरी तरह महसूस करेंगे। अभी सेंटर वॉइड में चित्त को रखेंगे सस्रार से। श्री आदि गुरु दत्तात्रेय के मंत्र लेंगे 3 बार। ओम त्वमेव साक्षात श्री आदि गुरु दत्तात्रेय नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री आदि गुरु दत्तात्रेय नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री आदि गुरु दत्तात्रेय नमो नमः। अभी चित्त को हम 3 बार घुमाएंगे फ्रॉम लेफ्ट वॉइड टू पूरा राइट वॉइड से ऊपर आके ऐसे 3 बार घुमाएंगे। अभी चित्त को धीरे से हम आज्ञा चक्र पर लेते। राइट हैंड को हम आज्ञा चक्र पर रखते हैं। वी होल्ड इट टाइट। श्री माता जी प्लीज फॉरगिव अस, प्लीज फॉरगिव अस, प्लीज फॉरगिव अस। श्री माता जी
बाय योर ग्रेस आई फॉरगिव एवरीबॉडी। श्री माता जी, आई फॉरगिव ईच एंड एवरीबॉडी हु ट्रबल्ड मी, हु हार्म्ड मी। श्री माता जी, आई फॉरगिव माई पास्ट, आई फॉरगिव माई सेल्फ। श्री माता जी, प्लीज फॉरगिव ऑल ऑफ अस। श्री माता जी, प्लीज फॉरगिव अस। श्री माता जी, लेट अस टेक श्री लॉर्ड जीसस एंड मदर मेरी का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात श्री लॉर्ड जीसस मदर मेरी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। लेट अस टेक द हम क्षम मंत्र ऑल्सो हियर। हम क्षम, हम क्षम, हम क्षम। चित्त को हम लोग फोरहेड के ऊपर ले चले, जो हमारे हेयर है फोरहेड के ऊपर, जो एकादश रुद्र मंत्र लेंगे 11। ओम त्वमेव साक्षात श्री महाहनुमाना नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री महाभैरवा नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री महाबुद्धा नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री महावीरा नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री महाकार्तिकेया नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री महागणेशा नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री लॉर्ड जीसस नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री ब्रह्मदेव सरस्वती नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री शिव पार्वती नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री हिरण्य गर्भा नमो नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। पूरी तरह भ्रमरंध्र इज कम्प्लीटली ओपन, राइजिंग और अटेंशन टू हायर एंड हायर, मर्ज इन द कम्प्लीट लव ऑफ अवर डिवाइन मदर। लेट अस लिसन टू द मदर स्पीच नाउ। भी माँ की अमृतवाणी सुनेंगे। वाइब्रेशन से ही आप सबको जान सकते हैं। जैसे आपके पास आँख होना जरूरी है कि किसी की आप आकृति देखें, उसका रंग देखें, उसी तरह से आपके पास ये वाइब्रेशन आने की जरूरत है, जिससे आप संसार के सब गुरुओं को जान सकें और जान सके कि कौन सच्चा गुरु है और कौन झूठा। कौन उस
आदि गुरु दत्तात्रेय जी के अवतार साक्षात हैं। कहने को तो आजकल हजारों गुरु संसार में आ गए, किसी के कहने से कोई गुरु नहीं, और किसी को मान भी लेने से वो गुरु नहीं है। गुरु शब्द ही का अर्थ बहुत ही बड़ा, इसको समझ लेना चाहिए। आज इसी पर मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ कि गुरु कौन और कौन गुरु नहीं। गुरु शब्द का अर्थ ही यह है कि जो हमसे बड़ा, जो हमसे ऊंचाई पे बैठा हुआ है, जैसे ऊंचाई पे बैठा हुआ पानी अकस्मात नीचे उतर आता है, वो अपनी सतह को ढूंढने के लिए, अपनी सतह पे सबको लाने के लिए हमेशा लालायित है। आप पानी को किसी ऊंचाई पे रख दीजिए, वो चाहेगा कि उसी ऊंचाई पे सबको, यही गुरु का अर्थ। ऐसा जो नहीं तो गुरु होने, हमसे ऊंचा वो हर मामले में होना, एक ही मामले में नहीं। इसलिए आजकल जो गलो गली और रस्तो रस्ती हम लोग गुरुओं को मान रहे हैं, उनको याद रखना चाहिए कि गुरुओं की हजारों पहचान। जो गुरु परम तत्व की बात करते हैं वही साक्षात गुरु हैं। जो परमात्मा की बात करते हैं और परमात्मा ही के ओर आप उठाते हैं वही गुरु हैं। जो लोग आपसे रुपया पैसा लेते हैं वो गुरु हैं। जो अपनी वाणी का रुपया लेते हैं वो गुरु कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये वाणी परमात्मा से आई हुई बहुमूल्य चीज है, इसकी कोई भी कीमत आप नहीं दे सकते हैं। जिस दिन आप इसकी कीमत दे सकें, ये परमात्मा की चीज नहीं है। आप परमात्मा को बाजार में जाके खरीद नहीं सकते। याद रखिए, आज हम लोग इस तरह के हजारों लोगों के सामने खड़े हुए हैं जो परमात्मा के नाम पर पैसा कमा, इससे बढ़ के अधमता और नीचता संसार में कुछ भी नहीं। परमात्मा के पांव के ठोकर के बराबर भी संसार का कोई सा भी सामान, कोई सी भी वस्तु, कोई सी भी चीज अगर हो तो उसे हम मान सकते हैं कि हम परमात्मा को देखें। जैसे अभी हमारे घर पे कोई साहब आए थे, बड़े भारी महान गुरु अपने को बना करके, और मुझसे कहने लगे कि माता जी आपके तो घर में सब चीजें हैं और आप तो बिल्कुल साधारण गृहिणी जैसे रह रही हैं, तो आप कैसे परमात्मा की बात करें। मैंने तो ये त्यागा, मैंने तो वो त्यागा, मैंने तो ये छोड़। मैंने उनसे कहा कि वाकई अगर तुम त्यागना जानते हो तो तुम ये भी जान लो कि इसमें से जो भी चीज तुम सोचो कि मेरे प्रभु के चरणों के धूल के बराबर भी, उसके कणों के भी बराबर हो, तुम उठा के लो, लेकिन तौल ना बराबर। इधर उधर देखा उन्होंने, ये वो देखा, इसके बाद पका गए। मैंने कहा क्यों, कोई चीज नहीं मिली? मैंने उसके बराबर तो कोई नहीं। फिर मैंने कहा उनसे कि तुमने छोड़ा ही क्या बेटे, तुमने क्या छोड़ा जिसका झंडा सुबह शाम घुमा करके और काषाय वस्त्र पहन करके और ये सर में बाल मुड़ा करके और दुनिया भर में चिल्लाते फिर रहे हो, क्या छोड़ा तुमने? यही पत्थर, ये मिट्टी। उसके बाद जोरास्टर जो 3 बार संसार में आए, वे भी उन्हीं के अवतार। उसके बाद मोहम्मद था, जो कि साक्षात उन्हीं के अवतार थे, और जब उनसे बहुत बार पूछा कि भाई तुमसे भी तो पहले कोई आए होंगे, तो उन्होंने कहा कि आए थे, एक मोहम्मद था। फिर उनसे पूछा कि भाई उससे पहले कौन था, कहने एक मोहम्मद था। मोहम्मद माने जो प्रेज होता है, जिसको प्रेज लगती, जिसकी प्रेज की जाती, जो स्तुति पात्र है, वही स्तुति पात्र है जो संसार का तारण कर। वही सारे मोहम्मद जो आए थे, वही सारे दत्तात्रेय जी बार बार संसार में आते हैं। उसके बाद नानक, गुरु नानक, उनकी अगर आप वाणी पढ़ें, उनकी अगर आप बातें पढ़ें, तो आपको आश्चर्य है कि उन्होंने हर बार सहज में ही बात करी। उन्होंने कहा कि सहज समाधि लीला, उन्होंने कहा है काहे रे बन खोजन जाई, सदा निवासी सदा अलेपा तो है संग समाई, पुष्प मध्य जो बास बसत है मुकुर माही जस छाई, तैसे ही हरि वसई निरंतर घट ही खोजो भाई, घट ही खोजो, अंदर ही है, अंदर ही उसे प्राप्त करो। हम तो कविता गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, जो उन्होंने हमें डिस्क्रिप्शन दिया था उसे रटे जा रहे हैं। हृदय के ही अंदर बसे हुए इस परम तत्व को खोजने की बात, अनादि काल से यह आदि गुरु बार बार जन्म संसार में लेकर के और कर।
मोहम्मद साहब की जो लड़की थी कल भी मैंने बताया है, इसका इसके बाद शिया जाति शुरुआत, मुसलमानों में शिया नाम की जाति, शिया शब्द जो है वो शिया से आया, शिया से आया हुआ शब्द शिया हो गया। शिया माने सीता जी, आप अगर यूपी में जाएं तो सीता जी कोई नहीं कहता है, शिया जी सब कहते हैं, सियावर रामचंद्र की सब सिया का नाम लेते, वो स्वयं सीता जी की स्वयं आदिशक्ति। और उनके जो दो बेटे हुए थे हसन और हुसैन, जिन्होंने कितने ही दुष्टों का नाश किया, उसके बाद तंग आकर के जब वो भी मर गए, उसके बाद दूसरे जन्म में उन्होंने सोचा कि अहिंसा को प्रस्थापित किया जाए, हिंसा से कुछ काम नहीं बना, एक नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने बुद्ध और महावीर के रूप में जन्म। एक्सपेरिमेंट ही होते नानक साहब के बाद एक 50-60 साल पहले अपने इस महाराष्ट्र देश में ही शिरडी के साई बाबा, ये भी साक्षात दत्तात्रेय जी के ही अवतार। इसका आपको अगर प्रमाण चाहिए, अगर आप पार हो जाएं और उसके बाद आप इसके किसी पर भी हाथ रख के देखें तो एक ही तरह के आपको वाइब्रेशन। श्री दत्त जयंती है, आज का दिन बहुत बड़ा, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं सोचती हूँ यह आज का दिन आया हुआ है जो आप लोगों में सहजयोग पल्लवित हुआ। सारे गुरुओं के गुरु आदि गुरु श्री दत्त महाराज, उनका आज महान दिवस, उनको मैं नमस्कार करती हूँ, वे भी मेरे ही गुरु। उन्होंने मुझे अनेक जन्मों में सहजयोग पर बहुत कुछ सिखाया है और उसी के फलस्वरूप इस जन्म में भी मैं कुछ कार्य कर सक रही हूँ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। आद्याशक्ति ने जब सब सृष्टि की रचना की, सारी सृष्टि रचना करने के बाद जैसे एक राजा अपना सारा राज्य फैलाता है और उसके बाद भेष बदल करके इस संसार को देखने आता है, उस तरह आदिशक्ति भी बार बार संसार में अवतरित। लेकिन चाहे शक्ति कितनी भी ऊंची हो, उसे एक मनुष्य गुरु की जरूरत है, मनुष्य का स्थान उस शक्ति से भी ऊंचा। अगर शक्ति को मानव रूप धारणा करनी है तो कभी उसे पिता के स्वरूप, कभी उसे भाई के स्वरूप, कभी उसे बेटे के स्वरूप पाकर ही वो संसार में आए। सर्वप्रथम ऐसा ही समझे कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवों से जब सारी सृष्टि की रचना की, उस वक्त इस संसार में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का विचार आदिशक्ति के मन में आया। ये तीन तत्व अगर किसी तरह से एक साथ जुड़ जाए और उनमें गणेश जी की बालकता, उनकी अबोधिता, उनका इनोसेंस उतर जाए तो हो सकता है कि एक बहुत बड़ा कार्य करने वाले गुरु इनसे निर्माण हो, सती अनुसया के रूप में उनका साक्षात। ये एक ही ऐसी सती संसार में है जिसने इंसान को तारण का विचार, एक बहुत बड़ी। ये तीनों बालक अनुसुईया के पास, अनुसुईया का अर्थ यह है जिसमें असुईया नहीं, जो किसी से मत्सर नहीं करता, जो सर्वतः प्रेम होता है उसमें मत्सर आदि क्रोध आदि ऐसे नगण्य क्षुद्र विचारों का कहाँ से स्थान है। जिसमें कोई भी असुईया नहीं ऐसी अनुसुईया, उसकी परीक्षा लेने ये तीनों भी, ऐसा कहा जाता है कि उनके दरवाजे गए और उस वक्त उन्होंने अपने तेज बल, ये तेज बल क्या था, ये यही माँ का प्रेम, अत्यंत दिव्य शक्तिशाली माँ का प्रेम जो उन पर बरस पड़ा और वे छोटे बच्चे हो गए। उन्हीं का एकाकार स्वरूप श्री दत्त महाराज है, एक अजीब सी विभूति है, इसका कि कितना भी वर्णन किया जाए तो कम है और समझाया जाए
तो भी समझ से पर। ऐसे त्रिगुणों से भरे हुए श्री दत्त महाराज आदि गुरु के रूप में संसार में आए और उन्होंने अनेक बार इसकी शिक्षा दी कि भव सागर को किस तरह से पार किया जाए। कल मैंने आपसे बताया है कि हम संसार में अनेक धर्म बना करके लड़ाई कर रहे हैं। इसी एक श्री दत्त के अवतार अनेक बार संसार में आए, उनमें से जैसा कि मैंने आपसे कल बताया था, राजा जनक जो कि जानकी जी के पिता थे, वे भी और कोई नहीं थे पर इन्हीं दत्तात्रेय जी के अवतार। उसके बाद मच्छिंद्रनाथ, आपने नाम सुना होगा, वे भी इन्हीं के अवतार। सभी सहजियों से विनती है हमारे इस चैनल It is all stay in this state for few minutes. माँ की उस अमृत वाणी की आनंद में विलीन हो जाएंगे। हम सब शिव माँ की उस प्रेम में वी आर कंप्लीटली ड्रेंच्ड। माँ की उस अमृत वाणी से जो हम अमृत पाया है हमारे अंदर, चैतन्य को पाया है, इसी स्थिति में हम माँ को धन्यवाद कहेंगे आज की सामूहिकता के लिए। इट इज ऑल बाउ डाउन टू मदर्स लोटस फीट। थैंक यू श्री माता जी फॉर दिस ब्यूटिफुल विराट कलेक्टिविटी हो ब्लेस्ड फ्रॉम सहस्रारा टू मूलाधारा। Taking all your children into the deeper, deeper state, higher and higher, rising our Kundalini to the higher state, Shri Mataji. Ma, aapko koti koti dhanyavad hai, Ma. Aapko koti koti dhanyavad hai. Jai Shri Mataji. श्री निर्मल रात्रि सभी को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी दीदी।